बहाउद्दीन जक्रिया एक्सप्रेस में खातून से मुबैना ज्यादती केस में इंकशाफ हुआ है कि मुलजमान ने इज्तिमाई ज्यादती की वीडियो भी बनाई थी। आपको इस हवाले से तफसीलात से आगाह करते चलेंगे। कराची की जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में बहाउद्दीन जक्रिया एक्सप्रेस में खातून से मुबैना ज्यादती केस की समाअत हुई। पुलिस ने गिरफ्तार 5 मुलजमान को अदालत में पेश किया। केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजमान ने मुतासरा खातून के साथ गैंगरेप की वीडियो भी बनाई थी जो मोबाइल फ़ोन से बरामद हुई है। अदालत ने गिरफ्तार 5 मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीक कर दी। ट्रेन हमले के गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद जाहिद, हकीम मुनीर, जोहेब, आमिर रजा और अब्दुल हफीज शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 28 मई को मुल्तान से कराची आने वाली खातून से इज्तिमाई ज्यादती की। मुलजमान के खिलाफ सिटी रेलवे थाने में मुकदमा दर्ज है। मुतासरा खातून अदालत में 2 मुलजमान को शिनाख्त भी कर चुकी है। ख्याल रहे कि बहाउद्दीन जक्रिया एक्सप्रेस ट्रेन निजी शोबे के ज़ेर इंतज़ाम चलाई जा रही है। इस वाकई के हवाले से पहले ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया है। इस हवाले से अगर कोई मज़ीद तफसीलात आती हैं तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।